हेलो दोस्तों, एलिमेंट्री इंटरमीडिएट के लिए लौकी या तो दूधी भोपड़ा का हम ड्राइंग करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, यहाँ पर हम ड्राइंग करते हैं। और जो भी नए बच्चे हैं उन्होंने सब्सक्राइब जरूर करना है मेरे चैनल को। तो एलिमेंट्री इंटरमीडिएट के लिए हम यहाँ पर निकाल रहे मिल्क पम्पकिन। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ मैंने ब्रश लिए है। तो यहाँ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है, और कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलना है। यहाँ मैंने केक कलर्स लिए, एक पानी की बाउल लिया है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने निकाल लिया है कोबाल्ट ब्लू। तो दोस्तों, कोबाल्ट ब्लू यहाँ कम से कम कलर में मैं किस तरह हम कलर कर सकते हैं ये मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। यहाँ पर लेमन येलो मैंने निकाला है। तो यहाँ दो ही कलर मैंने लिए फिलहाल। कम से कम कलर में किस तरह करते हैं, कलरिंग किस तरह करते हैं ये हम देखेंगे। ये जो लौकी है, या तो दुधी भोपड़ा बोलते हैं मराठी में, तो ये हमेशा आता है, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करना है। ये मैं ट्रांसपेरेंट वाटर कलर में बना के दिखाने वाला हूँ, और इसके बाद में मैं इसी को आपको पोस्टर कलर में भी करके दिखाऊंगा, अगर आप कमेंट्स करते हैं तो। दोस्तों, अगर आप कमेंट्स करेंगे कि सर हमें पोस्टर कलर में भी बना के दिखाओ, तो ज़रूर मैं बना के दिखाऊंगा। तो इसके और कौन से नाम है ये ज़रूर कमेंट्स में लिखना है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं ये कमेंट्स में आपको ज़रूर लिखना है। तो यहाँ मैंने लेमन येलो कलर, इसमें हल्का सा मैंने ब्लू कलर, कोबाल्ट ब्लू कलर मिक्स किया है। और जहाँ पर हाईलाइट आता है वो पार्ट मैंने छोड़ दिया। अभी इसमें और मैंने कोबाल्ट ब्लू मिक्स किया, यहाँ देख सकते हैं आप। तो ये ओरिजिनल कलर यहाँ पर बन जाता है, जो लौकी का कलर रहता है। तो अभी उसके साइड में मैं ये कलर देने वाला हूँ। तो ट्रांसपेरेंट वाटर कलर में आपको लाइट से डार्क की तरफ जाना है, ये बात आपको याद रखनी है। कभी भी हाईलाइट पहले छोड़ देना है, उसके बाद में उससे लाइट कलर, मतलब कि येलो कलर मैंने यहाँ यूज़ किया है। उसके बाद में वही येलो के अंदर मैंने कोबाल्ट ब्लू ये कलर मिक्स करके यहाँ पर मैं कलरिंग कर रहा हूँ। तो दोस्तों, धीरे धीरे आपको उसके जो शेड्स है वो बढ़ाने हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह मैं कलर कर रहा हूँ। 6 नंबर का मैंने ब्रश लिया है। ब्रश भी यहाँ पर मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा, एक या तो दो ही ब्रश, शायद एक ही ब्रश से मैं आपका ये कंप्लीट वर्क बना के दिखाने वाला हूँ। तो अभी उससे मैंने थोड़ा डार्क लिया है, वही कलर के अंदर मैंने यहाँ पर कोबाल्ट ब्लू और मिक्स किया है, और इसको मैं मर्ज करते चल रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ आप देखना है किस तरह मैं कलर कर रहा हूँ। तो ये बहुत इजी टेक्निक है, और ये आप बनाकर देखो। मैं हमेशा की तरह फिर से यहाँ बता रहा हूँ कि आप भी मेरे साथ जो कलर्स, ब्रश, पेंसिल, इरेजर और पेपर लेकर बैठना है और मेरे साथ बना के देखना है। यहाँ पर मैं बहुत धीरे धीरे बना रहा हूँ। मैं अगर फास्ट बनाता हूँ तो ये 6-7 मिनट में कंप्लीट होता, लेकिन यहाँ पर मैं आपको आना चाहिए, इसलिए ये ट्यूटोरियल मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। तो दोस्तों, ये अभी यहाँ पर मैंने 2 या 3 टोन यहाँ पर मैंने कंप्लीट किए, और एक टोन मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ, वो थोड़ा सा डार्क है। तो यहाँ देख सकते हैं जहाँ पर शेडो आएगी वहाँ पर ये टोन मैं यूज़ करने वाला हूँ, जैसे कि राइट साइड में इसकी शेडो दिखेंगी, उसके ऊपर जो छाया आती है वो दिखाने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा डार्क टोन यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो इसी तरह आपको ये ड्राइंग करना है और कलरिंग भी करना है, क्योंकि ये स्टिल लाइफ में आपको जो दूधी भोपड़ा है, या तो लौकी बोलते हैं, या तो मिल्क पम्पकिन भी इसको बोलते हैं, तो ये आपको देखने को मिलेगा। हमेशा ये एग्ज़ाम में आता है।
एलिमेंट्री के लिए भी आता है और इंटरमीडिएट के लिए भी ये आपको स्टिल लाइफ में आता है। तो दोस्तों यहाँ देखो, अभी मैं और डार्क शेड यहाँ कर रहा हूँ, तो ये थोड़ी डार्क शेड, उसमें मैंने क्रोम येलो भी हल्का सा मिक्स किया है, जरा टोन थोड़ा सा हमें और डार्क दिखना चाहिए इसलिए, तो कोबाल्ट ब्लू और क्रोम येलो हल्का सा यहाँ पर मैंने मिक्स किया, उसी के अंदर मैं लेमन येलो भी मिक्स कर रहा हूँ। तो इस तरह ये हमारा जो लौकी है बॉटल गर्ड इसको बोलते हैं, तो ये यहाँ पर कंप्लीट होते आ रहा है। तो दोस्तों कलरिंग बहुत आसान है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और इस तरह अगर आप कलरिंग करते हो, धीरे धीरे कलरिंग करते हो और उसके ग्रेडेशन अगर अच्छे से बना दो तो आपको ज़रूर ए ग्रेड मिलेगा। तो यहाँ कंप्लीट स्टिल लाइफ भी मैं बना के दिखाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों जो नए बच्चे हैं मेरे चैनल पर, पहली बार अगर देख रहे हैं तो उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलना है। अगर आपके कोई दोस्त है या रिलेटिव है तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी बेनिफिट हो। तो दोस्तों यहाँ मैंने और थोड़ा सा हल्का डार्क कलर यहाँ लिया है और इसको मैं ये कलरिंग कर रहा हूँ। तो ये निकालने के बाद हमें इसके शैडोज भी दिखाने हैं, तो शैडोज दिखाने के लिए कौन से कलर यूज़ करने हैं ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके पहले मैंने मेमोरी ड्राइंग, बेसिक मेमोरी ड्राइंग के वीडियोस मैंने दो अपलोड किए ताकि आपको फिगर ड्राइंग अच्छे से आए, उनका प्रोपोर्शन अच्छे से समझ में आए, ये यहाँ पर मैंने इसके पहले वीडियो में मैंने बताया है, तो वो वीडियो ज़रूर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये अभी लगभग शेडिंग हमारी कंप्लीट होने में आ गई। तो स्टिल लाइफ जो सब्जेक्ट है ये काफ़ी आसान सब्जेक्ट है, अगर आप ड्राइंग अच्छे से करते हो, ग्रेडेशन अच्छे से करते हो तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ड्राइंग हमेशा बड़ा करना है, छोटा नहीं करना है। यहाँ पर मैंने हल्का सा वाइट कलर भी यूज़ किया है, वाटर कलर में आप बोलेंगे कि वाइट कलर यूज़ नहीं करते, ये बात सही है, यूज़ नहीं करते, लेकिन यूज़ किया तो भी कोई फ़र्क नहीं गिरता है। तो यहाँ जो ऊपर की डंडी है उसके लिए मैंने हल्का सा वाइट का यूज़ किया है क्योंकि वो थोड़ी ज़्यादा लाइट रहती है, इसीलिए यहाँ पर मैंने उसको वाइट कलर यूज़ किया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, और हाईलाइट के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ तो हमने हाईलाइट छोड़ दिया है, अगर वो उसके ऊपर पानी चला जाता है या कलर चला जाता है तो आपने ज़रूर वाइट कलर यूज़ करना चाहिए ताकि हाईलाइट अच्छे से दिखे। तो जो डंडी है उसकी भी मैं शेडिंग करके दिखाने वाला हूँ, तो जहाँ पर शेडो आती है वो पार्ट डार्क रहेगा, जहाँ पर लाइट है वो हल्का सा लाइट रहेगा। यहाँ पर देखो मैंने किस तरह ये उसकी डंडी की शेडो दिखाई, अभी ब्लू कलर में मैंने हल्का सा रेड कलर मिक्स करके इसको मैं और डार्क शेड बना के यहाँ पर उसका टोनल ग्रेडेशन और डार्क कर दिया हूँ। तो यहाँ पर भी देख सकते ये किस तरह मैं बना रहा हूँ, तो जो डार्क शेड है वो हल्के हल्के मैं साइड से दे रहा हूँ, इसमें मैंने रेड कलर मिक्स किया है, तो एकदम हल्की सी आप देख सकते हैं कैसी राउंडिटी आ गई। इसको राउंडिटी आना, गोल दिखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अभी मैंने रेड कलर लिया है, अभी हम इसकी शैडो जो है वो करेंगे, इसमें पर्शियन ब्लू कलर मैंने मिक्स किया है, तो ये पर्शियन ब्लू और रेड यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ जो नीचे का पार्ट है उसका वो यहाँ पर मैंने कंप्लीट किया है, अब मैंने पर्शियन ब्लू निकाला है,
अंदर का जो पार्ट डार्क है उसके लिए मैंने हल्का सा पर्शियन ब्लू यूज किया है, और ये जो शैडो जहाँ दिख रही उसके लिए भी मैं यहाँ हल्का सा रेड कलर और ब्लू पर्शियन ब्लू कलर मतलब कि थोड़ा हल्का डार्क करके मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। तो इस तरह ये हमारा जो लौकी है या दूधी भोपड़ा है, मिल्क पम्पकिन बोलते हैं वो है। तो यहाँ पर देखो मैं वाइट कलर निकाला हूँ और ये वाइट कलर का यहाँ यूज़ कर रहा हूँ मैं डंडी के ऊपर हल्का सा हाईलाइट देने के लिए, और वही वाइट कलर का यहाँ फ्रंट में जो है उसके ऊपर थोड़ा येलो कलर आ गया था, इसलिए मैं यहाँ पर वाइट कलर का यूज़ करके उसके हाईलाइट दे रहा हूँ। तो दोस्तों एकदम सिंपल सा ये टेक्निक यहाँ पर मैंने दिखाया है और काफ़ी आसान तरीके से मैंने यहाँ पर आपको ये मिल्क पम्पकिन बना कर दिखाया है। तो दोस्तों अभी इसके शैडोज कैसे निकालने वो देखना है। तो दोस्तों आपको अगर कोई सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो चाहिए कि सर हमें ये सीखना है तो ज़रूर मुझे कमेंट्स कर सकते हो, और करनी भी चाहिए क्योंकि आपका हक है और मैं यहाँ पर सिखाने के लिए बैठा हूँ। तो दोस्तों अगर कोई सब्जेक्ट आपको हार्ड लग रहा है या किस तरह कौन सा सब्जेक्ट करना है ये अगर आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे तो उसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाकर डालूँगा, उससे आपको भी बेनिफिट होगा और मुझे ये समझ में आएगा कि आपको भी सीखने में इंटरेस्ट है जो ड्राइंग के एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के लिए आप बैठे हो, तो इसमें आपको अच्छे ग्रेड मिलाने की आपकी इच्छा है ऐसा मैं समझूंगा। तो ज़रूर आपने कमेंट ज़रूर करनी चाहिए। तो दोस्तों इस तरह ये शेडिंग जो है मैं कर रहा हूँ। अभी यहाँ पर पर्शियन ब्लू मैंने लिया है और उसके साथ आप देख सकते हैं पर्शियन ब्लू मिक्स किया हूँ। यहाँ नीचे की जो साइड है यहाँ पर मैंने हल्का सा पर्शियन ब्लू और हल्का सा रेड, थोड़ा डार्क में शेड बनाने के लिए उसके अंदर रेड मिक्स कर रहा हूँ। तो ये पर्शियन ब्लू और रेड का मिक्सचर यहाँ मैंने किया है, मिक्स किया है, और ये नीचे से अभी शैडो मैं बना रहा हूँ। तो ये शैडो बनाते समय हमें ये भी देखना है कि ज़्यादा डार्क भी नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने कोबाल्ट ब्लू और पानी यहाँ पर मिक्स किया और ये इसके शैडोज यहाँ पर दिखा रहा हूँ। शैडो हमेशा जिस साइड से लाइट आता है उसके अपोजिट साइड में दिखेगी, ये याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ जो पर्शियन ब्लू और रेड मैंने मिक्स किया था वो पास पास में लगाया है क्योंकि पास में डार्क शैडो रहती, जैसे जैसे दूर जाता है वैसे शैडोज जो है वो लाइट लाइट होते जाती है। तो दोस्तों चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।